नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा हालात हम समझते हैं, बातचीत से मामला सुलझ जाए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले रिपब्लिक डे पर किसान यूनियन के प्रतिनिधि को बनाना चाहिए चीफ गेस्ट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भटक जाएगा किसान आंदोलन, सरकार की योजना है, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा हम हालात समझते हैं, बातचीत से मामला सुलझे। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। सीजेआई ने कहा कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। इसके साथ ही 3 कृषि कानूनों को रद्द के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा से पूछा, आपको पता है कोर्ट में किसान प्रदर्शन को लेकर क्या चल रहा है? एमएल शर्मा ने कहा कि उन्होंने संशोधित याचिका दाखिल कर दी है। इसके बाद सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से पूछा, किसान प्रदर्शन पर कब सुनवाई होनी है? तुषार मेहता ने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई है। साथ ही कहा कि दूसरे मामलों के साथ इसको मत सुनिए। सीजेआई ने कहा, हम इसको दूसरे मामलों के साथ इसलिए सुनना चाहते हैं कि क्योंकि प्रदर्शन को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब सभी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा, हम सभी मामलों पर एक साथ सोमवार को सुनवाई करेंगे और अगर उस दिन अटॉर्नी जनरल मामले को टालने की मांग रखते हैं तो सुनवाई टाल दी जाएगी। कोर्ट भी चाहता है कि बातचीत से हल निकाला जाए। सीजेआई एस ए बोबड़े ने कहा कि किसानों के विरोध के बारे में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। एजी के वेणुगोपाल ने कहा कि इस बात की अच्छी संभावना है कि पार्टियां निकट भविष्य में किसी नतीजे पर पहुंच सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले, रिपब्लिक डे पर किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को बनाना चाहिए चीफ गेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा निरस्त होने के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम से किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाने की मांग की है। पिछले 42 दिनों से किसान दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर डटे हुए हैं। जहाँ किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार साफ कह चुकी है कि इससे किसानों को ही फायदा पहुंचेगा, इसलिए इसे खत्म नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि अब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन जी नहीं आ रहे हैं तो मोदी जी किसान यूनियन के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि क्यों नहीं बना देते? हैशटैग किसान एकता जिंदाबाद। वहीं दिग्विजय सिंह की मांग का उनकी पत्नी अमृता राय ने समर्थन किया है। अमृता राय ने दिग्विजय सिंह के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, किसान से बड़ा देश का सम्मान कौन हो सकता है? किसान है तो देश है, हम सभी को मिलकर यह मांग करनी चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और वो भारत आने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार से पैदा हुए संकट के चलते जॉनसन ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जॉनसन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर महामारी की स्थिति के कारण अपना दौरा रद्द करने के लिए खेद प्रकट किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भटक जाएगा किसान आंदोलन, सरकार की ये योजना, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की किसान संगठनों के साथ बेनतीजा वार्ता के बाद फिर अगली तारीख हो गई। हर बार आधा दिन गुजार कर 2 बजे बैठक करने से ही लगता है कि भाजपा सरकार आधे मन से आधे समय काम करके इस आंदोलन को भटकाना चाहती है, किंतु सत्ता का दम तोड़ने वाले किसानों का हौसला टूटने वाला नहीं है। किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रही है भाजपा। किसान अपना भविष्य बचाने के संघर्ष में बलिदान कर रहे हैं। भाजपा बेतुके तर्कों और झूठे तथ्यों से किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रही है। वह हर हाल में काले कृषि कानून देश में थोपना चाहती है। अच्छा हो भाजपा सरकार बयानबाजी में देश को न उलझाए और किसान आंदोलन में लगातार बढ़ती किसानों की मृत्यु व आत्महत्या पर शर्म करे। जो भाजपा सरकार MSP होने पर भी अन्नदाता को बाजार में सही दाम नहीं दे पा रही है, वह काले कानून के आने के बाद क्या MSP देगी? पूरे प्रदेश में अपनी मेहनत का हक नहीं मिलने से अन्नदाता बेहाल है। किसानों पर और कितना जुल्म करेगी भाजपा की डबल इंजन सरकार। जब से केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार आई है, किसान सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार हुआ है। उसे लागत मूल्य का द्यौड़ा देने, आय दुगनी करने का वादा करके झांसा दिया गया है। भाजपा राज में धान की लूट हुई, गन्ना मूल्य के भुगतान में सरकार खोखले आश्वासन दे रही है। किसान अपनी बात कहने गए तो उन पर आंसू गैस लाठी चार्ज किया गया। भाजपा लाख सफाई दे, लेकिन किसान परेशान है कि नए कृषि कानून लागू होने के साथ ही खेती पर उनका स्वामित्व खतरे में पड़ जाएगा, उन्हें कॉरपोरेट खेती के लिए मजबूर किया जाएगा। इसीलिए कृषि कानून में MSP का प्रावधान नहीं रखा गया है।
बड़े कॉरपोरेट की शर्तों पर किसानों को अपनी फसल बेचनी होगी। किसान संगठन बार बार इन सवालों पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं, पर भाजपा सरकार उससे कतरा रही है। गतिरोध का यही मूल कारण है। भाजपा सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह अपने को जनप्रतिनिधि नहीं धन प्रतिनिधि समझती है, इसीलिए बड़े पूंजी घरानों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही है। भाजपा भूल रही है कि उसके सामने संकट से संघर्ष करने वाले देश के वे दो तिहाई लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते। आंधी तूफान, ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात में भी किसान खेतों पर फसल उगाने में पीछे नहीं रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़ा घोटाला, फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी 524 बीघा जमीन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण की 524 बीघा जमीन को भू माफियाओं ने बेच दिया। भू माफियाओं ने लखनऊ में चल रही LDA की पूरी राधाग्राम योजना को ही बेच दिया। अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है, तब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पूरी प्लॉटिंग को निरस्त करने की और कदम आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1984 में राधाग्राम योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 524 बीघा जमीन थी। जमीन लेने के बाद LDA जब योजना बनाने में व्यस्त था, तब फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर्स ने इस जमीन पर नजर टिका ली। अब खुलासा हुआ है कि LDA के अधिकारियों के साथ मिलकर ही डीलर्स ने जमीन के प्लॉट बनाकर प्राइवेट लोगों में बेचना शुरू कर दिया। लंबे वक्त तक जब ये सारा कारनामा चल रहा था, तब LDA ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई, लेकिन अब जब दस्तावेजों की जांच चल रही थी तो पूरा भांडा फूट गया। दरअसल इन दिनों प्राधिकरण लखनऊ में विभाग की जमीनों के दस्तावेजों को जांचने में जुटा है। इसी दौरान कई ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। LDA से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद अब जमीन पर कब्जा वापस लिया जाएगा और कानूनी एक्शन लिया जाएगा। लंबे वक्त से राधाग्राम योजना में कुछ काम नहीं हो सका, यही कारण रहा कि प्रॉपर्टी डीलरों ने पिछले 10 साल में अवैध प्लॉटिंग कर जमीन ही बेच डाली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ कानूनों की संवैधानिकता को परखेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी उत्तराखंड को नोटिस जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर कानूनी धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधानिकता को परखेगा। बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि दो वकीलों और एक कानून शोधकर्ता के अलावा एक NGO ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जा सकता है। बता दें कि देश के कुछ राज्यों में धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, जिसके विभिन्न प्रावधानों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों एवं राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। एक पक्ष जहां इस कानून के दुरुपयोग की आशंका पर चिंता जाहिर कर रहा है, तो वही दूसरा पक्ष इसे गंगा जमुना तहजीब के लिए जरूरी मान रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। आंसू पोंछने के बजाय किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही मोदी सरकार, राहुल गांधी बोले। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर उदासीनी और जिद्दी होने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और क्रूर व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की जिद की वजह से अब तक 60 से ज्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का आंसू पोंछने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। कहा कि सरकार इतनी क्रूरता केवल क्रोनी कैपिटलिस्ट को बढ़ाने और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए कर रही है। खेत विरोधी कानून खत्म करें। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, खेती के तीनों कानून देश के प्रत्येक किसान की आत्मा पर हमला है, ये उनके खून पसीने पर हमला है। कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा गया था और किसान और मजदूर जानता है ये तीनों कानून उन पर हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि खेती कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन ब्रिटिश काल में 1917 में हुए चंपारण आंदोलन जैसा है। कहा कि वर्तमान आंदोलन में शामिल हर किसान और मजदूर सत्याग्रही है और वे अपने अधिकार लेकर रहेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉरपोरेट को अपनी बहादुर की संज्ञा दी थी। उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर आरोप लगाया, देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है, लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। उधर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि किसान मर रहे हैं और सरकार अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, एक तरफ प्रदर्शनकारी किसानों की दुर्दशा और उनकी मांगों के प्रति सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार के करीबी दोस्तों को व्यापार के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पूरी सहानुभूति और आशीर्वाद प्राप्त मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं।
शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नए अध्यक्ष पद को लेकर बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर करीब 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने की मांग उठी। अंत में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वह निभाने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में के सुरेश, अब्दुल खालिक, गौरव गोगोई और कुछ अन्य सांसदों ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह फिर से पार्टी की कमान संभाले। इन सांसदों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। हाल ही में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह मांग उठाई थी, जिसका कई नेताओं ने समर्थन किया था। राहुल गांधी के इस्तीफे की चर्चा लंबे वक्त से थी और उन्होंने इसकी पेशकश लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के तुरंत बाद कर दी थी। अब राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने अपने इस्तीफे के ये कारण बताए थे। राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 में मिली हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। हमारी पार्टी के भविष्य के लिए जवाबदेही जरूरी है। यह कारण है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। 2019 में मिली हार के लिए पार्टी को पुनर्संगठित करने की जरूरत है। पार्टी की हार के लिए सामूहिक तौर पर लोगों को कठिन निर्णय लेने होंगे। यह बेहद गलत होगा कि पार्टी की हार के लिए सबको जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष होने की वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व विधायक ने किया भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान, कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भीषण ठंड के बीच बेमौसम बरसात को भी झेल रहे हैं, लेकिन किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी के चलते किसानों की मांगे नहीं मानने के कारण समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह चोखर ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपकर बेहद ही गलत किया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन दूसरी ओर किसान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है और काले कानूनों को उन पर थोपा जा रहा है। सरकार बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन कर रही है और जो भंडारण की नीति दी गई इससे खुलेआम कालाबाजारी करने का मौका दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वह हमेशा किसानों के साथ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शमशान घाट हादसा, NHRC ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित शमशान घाट में हुए हादसे में 24 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी घटना के बाद मुरादनगर में मातम पसरा हुआ है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कि यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 4 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। गाजियाबाद के मुरादनगर में रहने वाले फल कारोबारी जयराम का निधन हो गया था। जयराम का अंतिम संस्कार मुरादनगर के शमशान घाट पर होना था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दर्जनों लोग शमशान घाट पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए लोग गेट से सटी गैलरी में खड़े हो गए। इसी दौरान यह हादसा हो गया। गैलरी की छत भरभराकर लोगों पर गिर पड़ी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कई लोगों की जान निकल चुकी थी। हादसे में कुल 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। इस हादसे के बाद से ही ठेकेदार अजय त्यागी फरार चल रहा था, जिसे सोमवार की देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 लोगों को मुरादनगर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर रविवार की शाम गैर इरादतन हत्या, भ्रष्टाचार, लापरवाही समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शमशान घाट की घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ NSA लगाने का आदेश दिया है। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार के करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तारीख पे तारीख, आखिर कब खत्म होगा गतिरोध, ठंड व बारिश में डटे हैं किसान। जी हाँ दोस्तों, भीषण सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी किसान कृषि कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। किसान संगठनों के प्रतिनिधि इन कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार कानूनों की खामियों वाले बिंदुओं या उनके अन्य विकल्पों पर चर्चा करना चाह रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धनवानों के लिए किसानों के दामों पर लगा रही है
भाजपा सरकार, अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपने को जन प्रतिनिधि नहीं धन प्रतिनिधि समझती है, इसलिए धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा भूल रही है कि वह जिन्हें नुकसान पहुंचा रही है वे संकट से संघर्ष करने वाले देश को वो दो तिहाई लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। इसके पूर्व सपा अध्यक्ष ने केंद्र और किसान संगठनों के बीच सोमवार को ही बातचीत बेनतीजा होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार ने आज फिर निरर्थक वार्ता करके अगली तारीख दे दी। उन्होंने कहा, हर बार आधा दिन गुजार कर 2 बजे बैठक करने से ही लगता है कि भाजपा सरकार आधे मन से आधे समय काम करके इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, जिससे किसानों का हौसला टूटे पर किसान टूटने वालों में से नहीं है, सत्ता कदम तोड़ने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कंपनी पर मेहरबान मोदी सरकार, कांग्रेस ने दागे भाजपा पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना के तहत न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर के भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया है। देश की पहली क्षेत्रीय त्वरित रेल परिवहन प्रणाली को क्रियान्वित करने वाली NCRTC ने कहा कि तय प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के तहत ये ठेका दिया गया है। अब इसको लेकर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है, क्या यही राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है? कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अपने ट्वीट में लिखा है, एक तरफ सीमा पर तैनात हमारे जांबाज जवान चीनी सेना से देश की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपए के ठेके दे रही है, क्या यही राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है? उधर NCRTC के एक प्रवक्ता का कहना है, बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा बोलियों के लिए विभिन्न लेवल पर मंजूरी लेनी होती है, निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के बाद ही यह ठेका मंजूर किया गया है। प्रवक्ता ने यह भी कहा, अब 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे के सभी सिविल वर्क के लिए टेंडर दे दिया गया है और वक्त पर प्रोजेक्ट को चालू के लिए निर्माण पूरे जोरों पर चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल मॉडल पर बहस में पहुंचे मनीष सिसोदिया, भाजपा के मंत्री गायब। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल शिक्षा मॉडल पर बहस के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में हैं। खास बात यह है कि यूपी के बाद उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी बहस से नदारद नजर आए। खास बात यह है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने दिल्ली जाकर केजरीवाल मॉडल पर बहस की चुनौती दी थी, लेकिन सिसोदिया ने उन्हीं के गढ़ में जाकर बहस की चुनौती दे डाली। बहस शुरू होने से पहले सिसोदिया ने ट्वीट किया था, उत्तराखंड में वरिष्ठ मंत्री @मदन कौशिक बीजेपी जी की चुनौती पर @अरविंद केजरीवाल बनाम @TS रावत बीजेपी मॉडल पर चर्चा करने में देहरादून आया, लेकिन एक श्वास में 100 काम गिनाने का दावा करने वाले मंत्री जी चुनौती देकर पीछे हट गए। लोग अब त्रिवेंद्र सरकार के काम नहीं भ्रष्टाचार गिना रहे हैं। इसके बाद सिसोदिया ने लाइव बहस का कार्यक्रम सोशल मीडिया पर शेयर किया, इसमें मदन कौशिक की कुर्सी खाली दिखाई दी। सिसोदिया ने लिखा है, उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी बहस लाइव। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यूपी और उत्तराखंड के लोकल और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी अब दूसरे राज्यों में केजरीवाल मॉडल को भुनाने की कोशिश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बारिश ने बढ़ाई आंदोलनकारी किसानों की मुसीबत, शीतलहर का अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में बीते रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश मंगलवार को भी जारी है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों पर भी पड़ा है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए इंतजाम भी नाकाफी जैसे साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। बारिश ने बढ़ी किसानों की परेशानी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सर्द मौसम जारी रहने के साथ साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और आर्द्रता का स्तर 100% रहा। मौसम विभाग ने कहा कि शाम ढलते ढलते तापमान और गिर सकता है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश पर बड़ा खतरा, राज्य में घुसे सैकड़ों नक्सली, हाई अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा नक्सली अपने आधार का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट में घुस गए हैं। 100 से ज्यादा नक्सलियों की घुसपैठ के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन नक्सलियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियों की तैनाती की मांग की है। अलर्ट पर पुलिस। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को जल्द ही मध्य प्रदेश के बालाघाट और आदिवासी बहुल मंडला जिलों में तैनात किए जाने की संभावना है।
इंटेलिजेंस के इनपुट के मुताबिक सभी नक्सली छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड के हैं। इस मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने बालाघाट, मंडला और सिवनी पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पिछले 2 महीनों में 5 नक्सलियों पर हुई कार्रवाई के बाद इनका मूवमेंट राज्य में बढ़ा है। यहां तक कि आईबी को जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में लगातार बढ़ते पुलिस दबाव की वजह से हार्डकोर नक्सली मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। साथ ही इस बात का भी इनपुट मिला है कि बालाघाट में लगातार मारे जा रहे नक्सली प्रदेश में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राज्य में बढ़ते खतरे की वजह से मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से नक्सली क्षेत्रों में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के लिए हाल ही में दिल्ली से 1 बटालियन की मांग की गई थी। बालाघाट मुठभेड़ पर नक्सल एडीजी जीपी सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में पड़ रहे प्रेशर से नक्सली मध्य प्रदेश की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नक्सलियों के मध्य प्रदेश में विस्तार के बारे में भी बात कही थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।